लाइक डिपेंड करता है, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, भैया नहीं है पुलिस वाले। हाँ तो ये कांड हमारे पता किधर होता है? पहले वैसे होता था, पहले होता था, अब तो वैसे नहीं होता, बहुत कम ही होता है। ये होता था बिहार वाली साइड में हमारे इधर। ना ट्रेनों की साफ सफाई, ऊपर से लोगों को ये चीज पसंद आ गई, बिहारियों को निकाल के ले जाएंगे। ये उस साइड बहुत होता था, पहले होता था हमारे उधर बिहार वाली साइड में। दिल्ली में आपको ना, दिल्ली में जो लोग जो सर दिल्ली सरकार चलाती है, ठीक है, सारी बसें सीएनजी ही हैं, सारी की सारी लोकल बसें सारी सीएनजी है। लोगों को चलना ही शहर में, भैया तो शहर में पोल्यूशन होगा ना, डीजल पे चलेंगे तो। बसें बड़ी मस्त बनी है, कुछ भी बोलो, दिल्ली की बसें है बड़ी मस्त। वहां पे कोई बूढ़ा इंसान है ना, उसको चलना भी बहुत आसान है, क्योंकि सड़क के साथ एकदम चिपकी हुई रहती है वो। मुश्किल से ना, जिसको कहते हैं ना आधा फुट, बस आधा फुट ऊंचा होगा ताकि स्पीड ब्रेकर वगैरह पार हो सके, बस। वैसे सड़क के साथ चिपकी हुई रहती है, उस पर कोई बुजुर्ग आदमी भी आराम से चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को। थोड़ा टाइम है भैया, इलेक्ट्रिक बसें शुरू हो जाएंगी, दो चार शुरू हो चुकी हैं धीरे धीरे। हमारे इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चल रहे हैं धीरे धीरे, सब इलेक्ट्रिक हो जाएगा वो तो। हमारे यहाँ तो कंपनी खुद बनाती है, देश की कंपनी टाटा, वो तो खुद बनाती। टाटा के पास सब कुछ है, टाटा बिल्डिंग से लेके टैंक हथियार सब बनाती है, कुछ नहीं छोड़ा टाटा ने। लेकिन कंपनी की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? अपनी कमाई का 60% हिस्सा कौन डोनेट करता है चैरिटी में? टाटा करती है, सारा का सारा जाता है टाटा ट्रस्ट में जाता है। और वहाँ जो कंपनी के पहले सीईओ थे हमारे टाटा जो थे, वो अभी भी रिटायर हो चुके हैं, उनको पेंशन टाइप कह सकते हो ना मिलती है, ठीक है, अभी भी कंपनी से रिटायर हो चुके हैं वो। तो बस ऐसे ही बस देखते हैं, भाग दौड़ संभालते हैं, ठीक है, ज्यादा देख नए बंदों को मौका दे के रखा है। अभी भी पेंशन मिलती है, 65 या 70% हिस्सा अभी भी अपनी पर्सनल सैलरी का हिस्सा वो डोनेट करते हैं अभी भी चैरिटी में, अभी तक। आप एक टाइम के लिए ना मोदी को गाली दे दोगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन गलती से भी अगर टाटा को गाली दी ना, लोग पीछे पड़ जाएंगे। मोदी जो कहते हैं ना, मोदी की भी इतनी हस्ती नहीं कि हमारे टाटा को गाली दे सके। अगर मोदी ने कुछ एक अक्षर भी बोल दिया ना टाटा के खिलाफ, लोग मोदी के ऊपर चढ़ जाएंगे, इतनी इज्जत है उस बंदे की, रतन टाटा की इतनी इज्जत है। अब क्या बोलते हैं, कोरोना टाइम आया था, ठीक है, बाकी कंपनियां क्या बोलते हैं निकाल रही थी लोगों को कि हमारी कंपनी नहीं चल रही, ठीक है, और टाटा ने पता क्या किया? जो लोग कोरोना की वजह से मर गए थे, जो उनकी कंपनी में काम कर रहे थे, ठीक है, उनके घर वालों को हर हर महीने
6 से 10 हज़ार रुपए उनके आते हैं घर पे, पैसे अभी भी आते हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा टाटा करती है, ठीक है। जब तक वो मतलब अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाएंगे ना, टाटा उनकी पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा करेगी और उनको बकायदा 8 से 10 हज़ार रुपये घर खर्चा भी देगी। ऐसे बंदे को भैया मोदी छोड़ो, कोई एक अक्षर बोल के दिखा दे भैया, लोग चढ़ जाएंगे उसके ऊपर। और कोई छोड़ो, मैं नहीं बकूंगा। एक एक टाटा है, एक महिंद्रा है, ये दोनों हमारे देश की कहते हैं ना अनमोल रत्न, ये दो अनमोल रत्न है हमारे देश के। इन दोनों को कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये देश के लिए बहुत कुछ करते हैं भैया, बहुत ज्यादा। मैं सही बता रहा हूँ, अगर नवाज शरीफ का भाई आ चुका है, ठीक है, अगर इसने इंडिया के साथ संबंध अच्छे कर लिए ना, और अगर आपके देश में टाटा और महिंद्रा दोनों कंपनी आ गई ना भाई, आवाम की मौज हो जाएगी। सही बता रहा हूँ, ये जितनी भी थर्ड क्लास कंपनी है ना चाइना की, जितनी भी जो ऐसे ही बाइक बना के बेचती हैं, ठीक है ना, बाइक होगी, कारें होगी, ठीक है ना, थर्ड क्लास क्वालिटी की, सब खत्म हो जाएंगी। क्या फालतू में, ये तो मेरे को लग रहा है पाकिस्तान में गाना फेमस हो गया होगा, चल रहा होगा शायद, हमारे इधर पंजाब का ही है सिंगर, एक था बंदा, उसने गाया था। क्या था गाना? हाँ, सब फटे जान गए। अब तो वो गाना चलेगा है। मैं ना कल ना पता क्या कर रहा था, कल कल मैं ना इंडिया का पुराना नक्शा देख रहा था कि इंडिया पहले कितना बड़ा था। मैं देख के हैरान हो गया भाई, पता कहाँ तक का था वो, इधर कौन सी साइड है, चाइना की साइड में कौन सा है, म्यांमार है ना शायद उधर, हाँ म्यांमार है, वहां से शुरू होता है और अफगानिस्तान से भी आगे तक जाता था, इतना बड़ा था पहले इंडिया। हाँ, लेकिन इसके टुकड़े हो के इतना सा रह गया अब। ये तो म्यांमार से लिंक अरे अंग्रेज जो आए थे ना बाहर के अंग्रेज, इन्होंने ज्यादा टुकड़े इन्होंने करवाए। अरे नहीं तो भैया बहुत बड़ा देश था भाई, जितना आज चाइना का साइज है ना उतना ही कह सकते हो, अखंड भारत पहले उतना ही था। भारत तो अब बोलते हैं, पहले इसको बोला जाता था अखंड भारत। पहले याद नहीं एक बार क्या हुआ था, तब पाकिस्तान इंडिया अलग हुए थे, ठीक है, कुछ साल ही हुए थे, जंग छिड़ गई थी आपस में दोनों के बीच में, कुछ नहीं क्या था मेरे को अब याद नहीं आ रहा किस वजह से हो गई थी, ठीक है,
Where's your face, fuckface? Up north. Ow! Along the river. Now this must be the right way. Looks like it's used a lot.
careful what you wish for.